नमस्कार विद्यार्थियों, नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपकी स्टडी जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में, समझेंगे मार्केट होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या एलिमेंट होता है और मार्केटिंग जो है क्या होती है। साथ ही साथ में जानेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में। तो मार्केट जो है ये लैटिन भाषा के मार्केटस से लिया गया है। मार्केटस का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहां पर गुड्स और सर्विसेज को बाय और सेल किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि मार्केटस वो स्थान होता है जहां पर वस्तु को क्या किया जाता है, खरीदी और उसकी बिक्री जो है वो की जाती है। चलिए आपको और अच्छे से इसको दिमाग में रहे इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर बायर्स और सेलर्स के बीच में जो है कंपटीशन होता है किसी भी प्रोडक्ट को जो है, किसी भी कमोडिटी जो है उस कमोडिटी को बेचने के लिए और उसको खरीदने के लिए। चलिए ये मोटा मोटा आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसका जो डेफिनेशन है वो आप समझ लीजिए कि मार्केट इज ए प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। ध्यान रखिएगा मार्केट वो स्थान होता है जहाँ पर किसी भी कमोडिटी जो है, किसी भी वस्तु का जो है क्या होता है, आदान प्रदान होता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास में। चलिए अब समझ लेते हैं मार्केटिंग को। ध्यान रखिएगा कि मार्केटिंग इज अ प्रोसेस इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। मार्केटिंग क्या है, कला है। इस कला के माध्यम से जो है गुड्स और सर्विसेज जो है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास में जो है ट्रांसफर होती है। चलिए अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग की मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग को आप सिंपल सा देख लीजिए कि हम पर्टिकुलर यहां पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कमोडिटीज हैं, यानी कि हम बात करें कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज जो है प्रोड्यूसर से जब कंज्यूमर के पास में जो है जाती है, ट्रांसफर होती है, एक्सचेंज होती है, तो वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहलाती है। मार्केटिंग स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। मार्केटिंग स्ट्रक्चर जो है क्या होता है, बाजार संरचना जो है वो क्या होती है, तो इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मार्केट तभी मार्केट होगा जब उसके अंदर बायर्स एंड सेलर्स के बीच में क्या हो, कंपटीशन। तो यहाँ पर हम मार्केट जो स्ट्रक्चर है इसको डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। इसके अलावा दूसरा जो है क्लासिफिकेशन वो हम कर देते हैं मार्केटिंग स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर को ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ वॉल्यूम। यानी जो प्रोडक्ट की जो साइज है, अवेलेबिलिटी है, अगर ज़्यादा है तो हम उसको बोल देंगे होलसेल मार्केट, अगर कम है हम बोल देंगे उसको रिटेल मार्केट। इसका डेफिनेशन जो है वो हम अलग से जो है जब हम टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट वहाँ पर वो डिटेल में जान लेंगे। यहाँ पर आप मोटे मोटे तौर पर जो है मार्केट स्ट्रक्चर को समझिए कि हमने दो भाग में बांट दिया, पहला ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन एंड सेकेंड वन साइज ऑफ वॉल्यूम। कंपटीशन के आधार पर जो है हम फिर इसको और डिवाइड कर देंगे। पहला मार्केट वो मार्केट होगा जिसके अंदर बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होंगे, तो ऐसे मार्केट को बोला जाएगा परफेक्ट मार्केट। और एक ऐसा मार्केट होगा जहां पर बायर्स भी कम होंगे और सेलर्स भी कम होंगे, तो इसको बोल देंगे इम्परफेक्ट मार्केट। यानी कि मैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन मार्केट को दो भागों में डिवाइड कर दूंगा, परफेक्ट मार्केट और इम्परफेक्ट मार्केट। फर्दर हम इम्परफेक्ट मार्केट को भी डिवाइड कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ बायर्स और ऑन द बेसिस ऑफ सेलर्स। बायर्स की जब हम बात करेंगे तो हमको यहाँ पर एक ट्रिक जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। जब भी हम बायर्स के बारे में बात करेंगे तो हम बायर्स को पहचानने के लिए क्या करेंगे, अगर एक बायर है तो हम बोल देंगे कि मोनो, और बायर है इसलिए हम क्या कर देंगे, सोनी PSONY जो है हम उसमें पीछे जोड़ देंगे। यानी कि एक बायर है तो उसको मोनो ऑफ सोनी बोल देंगे, दो बायर हैं तो हम उसको डीओप सोनी बोल देंगे, अगर दो से अधिक बायर हैं तो हम उसको ओलिगोप सोनी बोल देंगे। अब हम सेलर की बात करेंगे तो अगर मार्केट में एक सेलर है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मोनो सेलर है, इसलिए हम क्या लगा देंगे पीछे, पॉली लगा देंगे। तो एक अगर सेलर है मार्केट के अंदर तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, मोनो पॉली मार्केट बोल दिया जाएगा। अगर मार्केट के अंदर दो सेलर है, क्योंकि सेलर में मैंने आपको बताया कि सेलर में आपको पॉली लगाना है पीछे, अगर दो सेलर हैं तो क्या करेंगे, डीओ पॉली हो गया। अगर दो से अधिक जो है क्या है सेलर, तो हम क्या करेंगे, ओलिगो पॉली जो है उसको बोल देंगे। तो मोटे मोटे तौर पे जो है ना आपको ये मार्केट स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है।
इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि मार्केट के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, हम किसी भी स्थान को जो है मार्केट कैसे बोल देते हैं, हम कैसे पहचानते हैं कि ये चीज़ जो है मार्केट है। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि वहाँ पर गुड्स जो है अवेलेबल रहेगी, साथ ही साथ में उसके बायर्स रहेंगे, सेलर्स रहेंगे, उनके बीच में कंपटीशन रहेगा, उस प्रोडक्ट का प्राइस रहेगा, एक प्लेस नेटवर्क या सिस्टम रहेगा और एलिमेंट रहेगा साथ ही साथ में आपके बार्गेनिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो है आप थोड़ा बहुत जान पाए होंगे मार्केट क्या होता है, मार्केटिंग क्या होती है, मार्केट के एलिमेंट क्या होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो क्या होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। बहुत सारे वीडियोज आपके लिए आने वाले हैं, उन वीडियोज के लिए जो है आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि जो है ये जानकारी उन लोगों तक भी पहुंच पाए। अगर एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड और प्राइसेस के अगर नोट्स आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उनका मैंने लिंक दिया हुआ है, आप जाइए। एग्रीकल्चर डाइजेस्ट हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जो हम प्रमोट कर रहे हैं, जिसको कंटिन्यूसली लगातार, इस एप्लीकेशन का लिंक भी हमने दिया हुआ है जहाँ पर आपको जो है बीएससी से रिगार्डिंग जितना भी स्टडी मटेरियल चाहिए वो सारा कुछ अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। इसी तरह से प्रयास करते रहिए चैनल को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।